अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, ये मेरे पास बकरे का गोश्त है तो इसकी मैं यखनी बनाने लगी हूँ। ये हड्डी वाला गोश्त है, हाफ के जी है, तो मैं इसकी यखनी बनाने लगी हूँ। आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि आजकल मौसम है, सर्दी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बेसिकली तबीयत नहीं सही है। तबीयत भी नहीं मेरी ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब रोज़ रोज़ आपको बताऊँगी तो आप कहेंगे ये बाजी रहती बीमार है, तो ये मैं अपनी वजह से बनाने लगी, मेरी ना तबीयत नहीं ठीक, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें मटन शामिल करती हूँ और मैं इसमें पानी डालूँगी। आग लगाएँ और आग ना होने के बराबर, आग बहुत हल्की है। तो गाइस उसमें हमें 4 ग्लास जो है ना वो पानी शामिल करूंगी। तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो तब तक मैं इसके लिए जो बाकी चीजें मैंने इसमें शामिल करनी है, मसाले वगैरह, अब मैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो गैस कम है तो तब तक ये जो है ना गर्म हो जाता है, गोश्त जो है उसको बॉल वगैरह आ जाता है, तो मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लूँ। करें तो मैं उतनी देर सेवियाँ नहीं सेवियाँ खा रहा हूँ, भूख बहुत लगी हुई, तो सेवियों से काम चलाते हैं। ये हमारा नया चटोटा, मैं ना ये शामिल कर देती हूँ। इसमें लहसुन और ये अदरक है, तो ये डाल लेते हैं। ये मैं एक दरमियाने साइज का जो है ना प्याज काट लिया, हमने इसमें डाल देते हैं। आग बड़ी हल्की है, मोमबत्ती। इसमें मसाले दो तीन डाल देते हैं। ये हल्दी भी अच्छी चीज़ है ना, तो रेड मिर्च इसमें नहीं शामिल करनी। ये ब्लैक पेपर तो कहते हैं उस टाइम डालेंगे जिस टाइम वो सामान डाल देते हैं साथ ही, बाद में अगर और डालनी होंगी तो। ये काली मिर्चें हैं ना, बट काफ़ी हैं। हाँ जी, वो गाइस ये इसमें हल्दी है और ये नमक और ये ब्लैक मिर्चें हैं, अपने हिसाब से, अपने जितनी आपने खानी है आप डाल सकते हैं, हमने अपने हिसाब से डाल ली हैं। तो हम इसमें साबुत गरम मसाला है ये डालते हैं। इसमें ये बड़ी इलायची हो गई और ये नहीं डालना,
ये हो गया लौंग, तो इसमें है लौंग भी। इसमें जीरा हो गया, ये इसमें हमने दालचीनी बड़ी मोटी इलायची है, जीरा और लौंग है, ये डाल देनी है। जितना ये हमें अच्छा लगता है हसबे ज़रूरत अपने हिसाब से हमने शामिल कर दिया है। अब ये जो है ना हमारी यखनी, ये हमने सारा कुछ इसमें सामान वगैरह डाल दी है, ये रेडी हो रही है। इसको हमने छोड़ दिया है, चार ग्लास इसमें मैंने पानी शामिल किया है, तो ये अब पकती रहेगी। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, ढक्कन लेके आते हैं इसका। तो गाइस ये यखनी हमने रखी हुई है तकरीबन, इसको काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि कहाँ तक। तो माशाल्लाह गाइस देखें हमारी जो यखनी है ना, ओ अपने मराहिल को पहुँच रही है। तो गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं, गला कि नहीं गला। माशाल्लाह गाइस देखें कि गोश्त भी जो है ना वो गल गया हुआ है। तो इसको मज़ीद कोई 10 मिनट के लिए ना और गला लेते हैं। ये देखें गल गया हुआ है ये, तो इसको मज़ीद कोई 10 मिनट के लिए और कर लेते हैं। और यखनी भी देखें माशाल्लाह, जब ये इसकी निशानी ये होती है जब उसके ऊपर आयल आ जाए ना, इस तरह तड़ी आ जाए। मैंने इसमें आयल वगैरह कोई नहीं डाला, घी वगैरह। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो 10 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको और पका लेते हैं, तो फिर इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत प्यारा रंग भी निकल आया हुआ इसका, ये देखें। तो माशाल्लाह गाइस 15 मिनट हो गए हैं, तो यखनी हमारी जो है ना वो रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जब इसके यखनी के तैयार होने का जो कहते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें आपको नज़र आ रहा है आयल जो है ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुका हुआ है, और पानी भी आपको इसका बता रहा है कि यखनी बिल्कुल जो है ना वो तैयार है। गोश्त भी गल गया हुआ है ये देखें माशाल्लाह। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह गाइस ये देखें, ये हमारी यखनी है, इसको मैंने भून ली है, क्योंकि आपको पता है ये जो चीज़ें हमने इसमें मसाले वगैरह डाले थे इसका सारा असर तो यखनी में आ चुका हुआ है। और हमारी माशाल्लाह मज़ेदार यखनी जो है ना वो देखें तैयार है। और ये जो इसमें मैंने मटन डाला था ये भी निकाल लिया। अब हम इसको यखनी को थोड़ी सी डालेंगे जब हमने इसको इस्तेमाल करना है, खाना है या यूज़ करना है, तो इसमें अपने हिसाब से गोश्त वगैरह भी डाल लेंगे। और साथ ही अगर नमक या काली मिर्च अगर अपने टेस्ट के हिसाब से और शामिल करनी हो तो वो भी हम डालेंगे। तो गाइस ये थी मेरी आज की मटन यखनी की रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।